सभी के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताएं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मेरा
घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े। जीवन से महिमा तुझे मिले। अब रेवरेंड सुनील मंतोड़े हम सब से परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका शांति समय स्वागत है। आप प्रभु के लोग, आप प्रभु के शांति में चलने वाले लोग, विश्वास करते कि आज की संगति हमारे लिए शांति का समय, हमारे लिए आनंद और प्रभु की उपस्थिति में चलने का समय होगा। विश्वास करते कि हमारा जीवन आपके लिए आशीष का हो रहा है, और जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं तो उसके अनुसार आप चल रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं कि किस तरह प्रभु आपको आशीषित कर रहा है। और गवाही के लिए धन्यवाद देते कि बहुत सारे लोगों ने गवाही के द्वारा हमें फ़ोन के द्वारा कहा कि किस तरह प्रभु ने उनको आशीषित किया है, किस तरह प्रभु ने उनके जीवन में कार्य किया है। विश्वास करते हैं आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। आज का दिन हमें बढ़ोतरी में चलना है कि जो प्रभु की योजना हमारे लिए है। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमारा जो उद्देश्य है आपके लिए, कि जो वचनों की सेवा हम आपके साथ करते हैं, तो पहला उद्देश्य मैंने बहुत बताया कि आपके जीवन में आप आत्मा में बलवान होते जा रहे हैं और आत्मा में अच्छा काम कर रहे हैं। जो दूसरा उद्देश्य जो हम आपके साथ प्रभु के वचन बांट रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसों की बरकत हो, बढ़ोतरी हो और आप अमेरिका अनुभव करें, आपका जीवन सामर्थ्यशाली और प्रभु के आशीष में भरा रहे। तीसरा उद्देश्य कि आप प्रभु के चंगाई में, स्वास्थ्य में चले, आपका जिस समाज में आप रहते उस समाज में आपका सम्मान हो और आपके जीवन में हर तरह के सारे आशीषों की बहुतायत की भरपूरी आपके जीवन में हो। चौथा उद्देश्य जो मैंने आपको बताया बाद में कि आप, हमारा उद्देश्य है कि वचन के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, कि आप प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार हो। जिस तरह से मैं आपके साथ प्रभु की वचन की सेवा करता हूं, आप भी उस तरह जहां भी आपके घर में, आपके आजू बाजू में, आपके समाज में आप प्रभु की सेवा कर सके और वो अच्छे तरह से कर सके। जब ये होता रहेगा तो हम धन्यवादित कहेंगे आप प्रभु को, हमारा जीवन लोगों के लिए आशीषित होगा। आज मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में आपको बरकत मिले, आपको प्रभु के वचनों का अनुभव आपके जीवन में आ जाए। हर दिन आपको आदत करना है प्रभु के वचनों को कबूल करने की, प्रभु के वचनों को आपके बातचीत में प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करने की। आप जब समस्या मुश्किल देखेंगे तो तब प्रभु का वचन आज्ञा का इस्तेमाल करने की और शैतान को आपके सामने भागते हुए देखने की। तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में विजय पाने के लिए आपको प्रभु के वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों की कबूली करना है, कुछ ऐसी घोषणा करना है कि जिसके द्वारे आप सुन सके कि ये मेरे लिए है। आपका शरीर जो है, आपका अवयव हर एक जो है, वो आपके वचन, जो मुंह से बोले हुए वचनों को एक तरह से प्रतिसाद दे, उसका स्वीकार करे। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते, आज मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यक्ति बने कि आप एक बुद्धि और ज्ञानी बने। प्रभु ने चाहता कि प्रभु के लोग, जो प्रभु के लोग हैं, वो ज्ञानी और बुद्धिमान बने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दानियल 1:20 में कि प्रभु के लोग होने के कारण आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, एक आशीषित व्यक्ति हैं, और आपको उसका अनुभव करते हुए लोगों को दिखाई देना है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्खता का निर्णय मेरे जीवन में करता हूं। आपका जीवन जो है, आपका परिवार जो है, लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु ने आपको आशीषित किया है, आपको चुन लिया है। तो इसलिए मैं ध्यान देता हूं मेरे जीवन के ऊपर कि मैं जानता हूं कि मेरा जीवन एक मूल्यवान जीवन है। प्रभु ने अपनी जान मेरे लिए दी, मेरे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसके लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। आज भी आपके जीवन में आप पाप क्षमा का अनुभव कर सकते हैं। जब अपने आप अपने पापों का तोबा करेंगे तो प्रभु यीशु, जो जीवित परमेश्वर, जो आपके लिए सूली पर मरा, उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जीव उठा, ये जो सुसमाचार है हम आपको बता रहे हैं कि जब आप पापों का तोबा करेंगे, आपके पापों से मन फिराएंगे और पवित्रता के ओर भागेंगे, तो प्रभु यीशु आपको क्षमा करेगा और आपको सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करेगा। जब आप पवित्र हो जाएंगे तो आप आत्मा में बलवान होते हुए अच्छा काम कर सकते हैं, और जब आत्मा में बलवान है तो भौतिक रीति से प्रभु के जो आशीष हमारे लिए हैं कि जो हम चाहते, दुनिया में रहते हुए हमें पैसा जरूरी है, पैसे की हम पूजा नहीं करते, पैसे की हम पाया हम उसके उसको नमन नहीं करते, लेकिन हम धन्यवाद देते कि पैसे के द्वारा दुनिया में सब कुछ हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। सेवकाई के लिए पैसा होता है, रहता लगता है,
घर के लिए परिवार के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन हम पैसे के पीछे नहीं भागने वाले, लेकिन प्रभु के लोग होने के कारण प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है, प्रभु हमें आर्थिक रूप से पैसे के द्वारा हमें बरकत और हमें अमीर देना चाहता है कि ताकि हम प्रभु की सेवा करें, लोगों को आशीषित करें और लोगों को अच्छे मार्ग सत्मार्ग में ला सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे कि कुछ बातें मैंने बताई कि आपके जीवन में विजय पाने के लिए जैसे प्रभु ने यहोशू को कहा कि तू तेरा मार्ग सफल होगा, हम चाहते कि हम जहां भी जाए सफल हो जाए, जो भी हाथ में ले हमें वहां पे सफलता मिले, ये चाहते हमारे व्यवसाय में, हमारे धंधे में, हमारे कामों में, हमारे परिवार में, जहां भी हम जाए हमारे यह सपना कि हम सफल हो जाए। तो प्रभु के लोग होने के कारण हम सफलता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रभु की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। इसलिए मैंने जो आपको बताया कि प्रभु के वचन को आपके जीवन में अनुभव करना है, कबूल करना है और उसके साथ साथ हमें काम भी करना है। जब हम काम करेंगे तो प्रभु हमारे हाथों को अभिषेक करके हमारे कामों में सफलता देगा। इसलिए आपको मैंने बोला कि आपको कुछ बातें आपके जीवन में कबूल करना है। तो दूसरी बात मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रभु का आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञान रहने के लिए आपको कुछ बातें आपके जीवन में कबूल करना है। जैसे कि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको बताना है कि प्रभु ने मुझे ऐसी व्यक्ति बनाए कि जो मैं एक क्रियाशील व्यक्ति हूं, जो नया कल्पना, नया सपना देखने वाला, उस नए सपना और कल्पना पूरा करने वाला व्यक्ति हूं। तो आज प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु के लोग होने के कारण आपके जीवन में प्रभु ऐसी कल्पना देगा, ऐसी योजना देगा कि जो योजना कभी लोगों ने सोची नहीं थी, कि जिस योजना के द्वारा आप एक दिन में अमीर हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें प्रभु की महिमा हो सकती है। जैसे आज किसी ने कुछ खोज निकाली तो वो जो खोज है वो दुनिया के, संसार के लिए लोगों की फायदे हो सकती है, तो उसके द्वारा आप आपका जीवन पूरा बदल सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपको ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचन को आपको ग्रहण करना है, कबूल करना है। जैसे प्रभु के वचन यहोशू का है, इसलिए उसने कहा कि इसलिए यहोशू 1:6 से आगे, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाहें, तब जहां जा तो जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। तो प्रभु का यहां पे हमें यह अभिवचन है कि जहां भी तू जाएगा तू सफल होगा। तो आपको प्रभु का ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने के लिए प्रभु की व्यवस्था का अनुकरण करना, उसका मनन करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है और उसके अमल करना कि ये मेरे लिए है और मैं लोगों को अधिकार दूंगा। तो प्रभु आपको क्या कर सकता है, ज्ञान और बुद्धि दे सकता है। तो आपको प्रभु के वचन के अनुसार आपके जीवन में कबूल करना है कि मैं एक क्रियाशील व्यक्ति हूं, मैं जो करता हूं एक ऐसी बातें करता हूं कि जिसमें प्रभु की महिमा हो, लोग वहां देखते रहे और प्रभु को गौरव देते रहेंगे। इसलिए आपको बताना है कि मेरे जीवन में बहुत सारे नए कल्पना देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु आपको कल्पना देगा आपके व्यवसाय के लिए, आपके काम के लिए, आपके परिवार के लिए, आपका व्यवसाय बढ़ोतरी होने के लिए प्रभु आपको ऐसी योजना देगा कि जिसको कोई रोक नहीं सकता। प्रभु आपने जो हिया बांधा है, दृढ़ होकर आप जब आगे जाएंगे प्रभु की आज्ञा के साथ, तो क्योंकि आपने, प्रभु ने आपको अभिषेक किया है। इसलिए प्रभु को बोलना है, प्रभु के वचन के द्वारा सुबह जब उठेंगे तो आपको कहना है कि मेरा मन जो है वो मेरा मन जागरूक है। मेरा मन जो होता है एक युद्ध भूमि के समान है जहां पे हमेशा युद्ध होता रहता है, अच्छे विचारों का और बुरे विचारों का। अच्छे विचार हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आ सकते हैं, लेकिन बुरे विचार जो है शैतान हमारे मनों पर फेंकते रहता है। तो जो बुरे विचार हम लेंगे तो हमारा बर्ताव बुरा होगा, हमारा जीवन बुरा होगा और हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आज आपको कबूल करना है कि मेरा मन जो है वो मेरा मन मसीह का मन है, मेरा मन अच्छा है, मेरा मन जागरूक है, मैं सोचता हूं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मैं अच्छाई के बारे में, मैं मूर्खता के बारे में सोचता नहीं। आज बहुत सारे लोग, परिवार है, शादीशुदा है, लेकिन मूर्खता की बातें करते हैं, मूर्खता का विचार करते हैं। आज अपने घर में मूर्खता का निर्णय के द्वारा अपने जीवन में उन्हें बर्बादी लाए, शादीशुदा होते हुए भी दूसरे लोगों के पीछे जाते हैं, आज एक अनैतिक संबंध, एक गंदा व्यवहार करते हैं। और ये जो हुआ क्यों, अपना मन जो है गंदे विचारों को आपने अपने जीवन में आने दे दिया। तो जब मैं प्रभु का जन हूं,
प्रभु का जन होने के कारण मैं सोचता हूं कि मेरा मन जो है वो पवित्र है, मेरा मन जो है यीशु ने दिया हुआ है, तो मैं जो विचार करता हूं मैं मूर्खता विचार नहीं करता हूं, मैं जो विचार करता हूं कि किस तरह से मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थित रहे, किस तरह मेरे जीवन में मेरे परिवार में प्रभु की उपस्थित रहे, किस तरह से मेरा जीवन बरकत आशीष से भरा रहे, तो प्रभु मुझे मेरे मन को उसके हाथ में दे लेने के द्वारा मुझे मसीह का मन प्राप्त होता है। तो मैं कबूल करता हूं कि मेरा मन जो है वो जागरूक है और क्रियाशील है, मैं अच्छा करता रहूंगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूं, मैं जो विचार करता हूं, जो मैं निर्णय करता हूं वो आने वाले दिनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रभु मुझे आशीष करना चाहता है। मैं हमेशा कबूल करता हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप बोले कि मेरा मन मसीह का मन है, मैं अभिषिक्त हूं, मैं जो हूं मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं गड़बड़ में नहीं हूं। लोग कंफ्यूज हो जाते, गड़बड़ में जाते, उनको समझ में आता नहीं ये क्या करूं, लोग बोलते हैं ये जो मुश्किल आ रही है, ये जो समस्या आ रही है, तो लोग गलत निर्णय लेते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए, गड़बड़ी मची है उनके मनों में। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जो है हमारा परमेश्वर वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, प्रभु जो है हमारा वो एक शिस्त का परमेश्वर है, जो एक न्याय परमेश्वर, जो वो जो करता है वो समय के अनुसार शिस्त के अनुसार करता है जो हमारे जीवन है। तो प्रभु का वचन के अनुसार आपको कहना है कि मेरा मन जो है वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ है, मैं अभिषिक्त हूं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के मन से चल रहे तो आपके परिवार में पति पत्नी में प्रेम होगा, क्यों आप कहेंगे मेरी पत्नी जो है मुझे मसीहा ने दिया है, मेरे प्रभु ने मुझे दिया, तो मैं उसको मसीह को खुश करने के लिए मैं उससे प्रेम करूंगा, मेरा पति जो है मसीह ने मुझे दिया इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगा। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है, तो मेरा मन जो है प्रभु के प्रेम से भरा हुआ होने के नाते मैं हमेशा अपने जीवन में लोगों से प्रेम करता हूं, मेरा परिवार खुशी का परिवार है। तो इसलिए कबूल कर रहा है कि मेरा मन जो है वो प्रभु के मन से भरा हुआ है, मेरे मन में गड़बड़ी नहीं, मेरे मन में कुछ कंफ्यूज नहीं है। जब प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन होने के नाते कि हमेशा कबूल करता हूं कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का बुद्धि जो है हमेशा मेरे लिए इंसान के ज्ञान और बुद्धि से ज्यादा है, मेरे जीवन में मैं परमेश्वर के ज्ञान को परमेश्वर के बुद्धि को मैं अपनाता हूं। दुनिया की जो दुनिया का ज्ञान है मनुष्य ज्ञान है शायद मुझे बर्बादी की ओर नाश की ओर लेके जा सकता है, लेकिन प्रभु का ज्ञान, प्रभु जो हमें बुद्धि देगा, प्रभु जो मुझे ज्ञान देगा वो मेरे भलाई के लिए होगा, क्योंकि मेरा भविष्य प्रभु जानता है। इसलिए मैं जो निर्णय लूंगा मैं ज्ञान समझ कर जानबूझ कर मैं ऐसा निर्णय लूंगा जो मेरे परिवार में आने वाले संतति के लिए उसका परिणाम आशीषित होगा। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे परमेश्वर ने बहुत ऐसे ज्ञान और बुद्धि दी है, मैं कभी भी कभी कबूल करूंगा कि मैं कुछ जानता नहीं, मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि प्रभु जो है ज्ञान देने वाला है, प्रभु जो हमें बुद्धि देने वाला है। तो हमेशा कहता हूं मैं, मेरे पास प्रभु ने जो बुद्धि और ज्ञान दिया है वो बहुत ऐसे दिया, जब प्रभु देता है वो कंजूसी नहीं करता है, प्रभु देता है तो बहुतायत से हमें ज्ञान और बुद्धि देगा। जब हम लोगों को हम ज्ञान देंगे तो लोग देखेंगे कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रभु हमें आशीषित करेगा। प्रभु धन्यवाद देना है कि मैं आज मेरे जीवन में कबूल करता हूँ कि मैं ऐसी व्यक्ति हूँ, मैं आज्ञाकारी व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी किसी के विरुद्ध में नहीं जा नहीं सकता, मैं आज्ञा का भंग नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में मेरे विचारों में मैं कभी भी किसी के विरुद्ध जाने का मैं सोच भी नहीं सकता, ना परमेश्वर ना परमेश्वर के लोगों को लोगों के विरुद्ध जा सकता हूँ, ना चर्च के विरुद्ध जा सकता हूँ, कि मैं जो हूँ मैं आज्ञाकारी हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे आशीषित किया है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मेरे मुँह से किसी के विरुद्ध बात करने का मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। इसे धन्यवाद देता हूं कि प्रभु को मुझे ज्ञान देने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि जो वचन आपके लिए मैं कह रहा हूं, प्रभु आपको आपके व्यवसाय में आपके धंधे में आपके काम में बुद्धि और ज्ञान देगा। आपको कबूल करना है कि मेरे बिजनेस में मेरे व्यवसाय में मेरे काम में मुझे ज्ञान प्रभु से प्राप्त होता है, तो आपको प्रभु की सामर्थ्य का प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि जो बुद्धि है जो ज्ञान है यीशु खुद है। जब यीशु हमारे अंदर आता है वो ज्ञान लेकर सारे सामर्थ्य के साथ हमारे साथ आ जाता है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु जो हमारे जीवन करना चाहता है कि आज जो प्रभु ने हमारी योजना बनाई है हमको ऊंचा उठाने की, हमें उन्नति और हमें समृद्ध देने की, तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि मैं क्या चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में चाहता हूँ या शैतान की उपस्थिति। क्योंकि जब मैं कबूल करता हूँ प्रभु की वचन तो प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में होती है। प्रभु चाहता है कि मैं बरकत से मैं अमीरी से आशीष हो जाऊं,
प्रभु मेरे जीवन में आशीष से चाहता है कि जहां प्रभु मुझे बढ़ोतरी देगा, मुझे सम्मान देगा कि जहां पे प्रभु की महिमा होगी। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु के वचनों को अप जीवन में अपने बातें करने में। लोगों के साथ जब बात करते हैं प्रभु के वचन को आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए। और मैं आपको एक आपको प्रभु के वचन के द्वारा वादा करता हूँ कि जो अनुभव मैंने किया है वो आपके जीवन में होगा, क्योंकि प्रभु अनुभव देता है। प्रभु अच्छा परमेश्वर, प्रभु हमसे कभी झूठ नहीं कहता, जो कहा है वो करने वाला है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें पूरे ज्ञान से और प्रभु पूरे उसके पूरे बुद्धि से हमें भर देगा। तो आपको हर दिन कहता है, जैसे भजन संहिता 23 में कहा, भजन संहिता कहता है कि मेरा जो प्याला है वो क्या हो रहा है, भर कर बह रहा है। प्रभु चाहता है कि हम ज्ञान और बुद्धि से हम इस तरह से व्यक्ति बने कि हम लोगों को भरपूर से दे रहे हैं प्रभु। तो इसलिए आपने आपको कहा है कि मेरे जीवन में कुछ कमियां नहीं, तो मेरा जो प्याला है वो भर कर बह रहा है प्रभु के ज्ञान से, प्रभु की बुद्धि से। तो लोग हमारे जीवनों के द्वारा आशीषित हो जाएंगे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के वचन कहना कि हर दिन मैं मेरे जीवन में बुद्धि और ज्ञान प्रभु से प्राप्त करता हूं। मुझे कबूल करना है कि हर दिन मैं मेरे जीवन में बुद्धि और ज्ञान प्रभु से प्राप्त करता हूं। तो आप हर दिन कैसे हैं, ताजे हैं। आपको एक ताजा अभिषेक हर दिन मिल रहा है कि आप पुराने अभिषेक पे नहीं, लेकिन हर दिन आपको नया और ताजा अभिषेक प्राप्त होगा। जब आप सुबह उठेंगे तो हमेशा महसूस करें कि आज मैं तंदुरुस्त हूं और प्रभु का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। तो आपको कबूल करना है कि हर दिन मैं प्रभु से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करता हूं, ताजा अभिषेक मेरे ऊपर है। जब आप ऐसे कहेंगे तो लोगों को आपका जीवन आशीष का कारण होगा। आपके चेहरे के ऊपर वो जो अभिषेक है लोगों को दिखाई देगा कि आप प्रभु की व्यक्ति हैं, आप प्रभु की चुनी हुई व्यक्ति हैं कि जिसके द्वारा लोगों को आशीष मिलती है। प्रभु धन्यवाद देता है। इसलिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए। तो मैं आपको इसलिए प्रभु के वचन के द्वारा वादा देना चाहता हूं कि जो वादा प्रभु ने किया है वो आपके जीवन में पूरा होगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति बने हैं, आपको अपने आप को याद दिलाना है और अपने जीवन में कबूल करना है कि मैं जो हूं मैं अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति हूं। सलाह देने के लिए खुद सलाह देते हैं लेकिन सलाह कुछ उसके अनुसार करते नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु के जन होने के कारण, अपने आप को प्रभु के हाथ में दिए व्यक्ति होने के कारण आप अभिषिक्त हैं, आपको प्रभु ने अभिषेक किया है। तो आपको हर दिन याद दिलाना है कि मैं जो हूं लोगों को अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति हूं। प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है कि ताकि मैं एक विजय की ओर भागता चला जाऊं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं जयवंत हूं और तुम जयवंत से बढ़कर हो। तो अपने आप को कहना है कि मैं जयवंत हूं, हर दिन मैं विजय पाने वाला, सुबह से लेकर शाम तक मैं एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा रहा हूं। प्रभु ने चाहता कि आप पराजित जीवन जाए, कि आप मुश्किल में और बीमारी में और एक तरह का ऐसा जीवन जाए गड़बड़ी में। प्रभु ने आपके लिए गड़बड़ी नहीं योजना बनाई, प्रभु ने आपके लिए अच्छाई की योजना बनाई और प्रभु आपके जीवन में उसके वचन के द्वारा करना चाहता है। इसलिए बाइबल के ऊपर विश्वास करो। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहोशू ने अपने जीवन में सफलता पाई। आज प्रभु का वचन, वही जीवित परमेश्वर, ताजा परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में एक ताजा अनुभव देना चाहता है। जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में जो हमने कबूल किया वो होता रहेगा, आपके जीवन में चंगाई आपको प्राप्त होगी, आपके जीवन में आपको बरकत प्राप्त होगी, आपके जीवन में एक समाज में सम्मान होगा, आप प्रभु की सेवा का अच्छाई करेंगे। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु का वचन जो है अच्छा है, प्रभु का वचन जो है हमारे लिए भलाई का है। इसलिए अपने आप को जो प्रभु ने दिया है अपने बारे में आशीष कबूल करते रहना है। मैं हर दिन कहते रहता हूँ कि प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया है, प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है, मैं जो क्रियाशील व्यक्ति हूँ, नई नई कल्पना मेरे जीवन होती है, जो प्रभु ने मेरे दी मेरी कल्पना दी, जो सपना दिया है वो सपना पूरा करने के लिए प्रभु हमें ताकत देगा, लोग खड़ा करेगा जो हमारा सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको मैं प्रभु के वचन के द्वारा चुनौती देना चाहता हूँ कि मैं जब कबूल करता सुबह उठते हुए कि प्रभु तेरे वचन के लिए कि धन्यवाद, क्योंकि जो तूने मुझे मेरे लिए योजना बनाई मैं उसको पा सकता हूँ और मैंने पाया है। मैं हर दिन चंगाई में चलता हूँ, हर दिन मैं सुरक्षिता में चलता हूँ, हर दिन मैं हर जरूरत पूरा करने वाला मेरे पास आते हैं। इसलिए मैंने आज तक मेरा हाथ किसके सामने फैलाया नहीं, मैंने हाथ जो फैलाया तो मेरे प्रभु के सामने, प्रभु से मांगा और प्रभु ने अद्भुत रीति से मेरे हर जरूरत को पूरा किया है। प्रभु ने मुझे नीचे नहीं बल्कि मुझे ऊंचे उठाया है, प्रभु ने मुझे पूछ नहीं बल्कि मुझे सिर बनाया है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि अपने दिन हर दिन जब खड़े रहेंगे तो कबूल करना है कि ये मेरे लिए है, कि आज मेरा दिन अच्छा है, आज मैं जो भी करूंगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी, आज जो भी मैं करूंगा उसमें मुझे विजय मिलेगा, क्योंकि मैं प्रभु के सामर्थ्य में चलने वाला व्यक्ति हूं। कि आज से मैं जो है
लोगों को अद्भुत कर्मों के बारे में बताने वाला, कि जो प्रभु अद्भुत काम करने वाला, प्रभु चंगाई देने वाला हमारा हमारे साथ हमेशा रहता है। आज प्रभु के लोग होने के कारण हम अनुभव कर सकते हैं कि जो जीवित परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला, हमारे साथ बात करने वाला, हमारे साथ सोते उठते हमेशा रहने वाला, को हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु यीशु अच्छा है, उसका अनुभव करें। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हमारा उद्देश्य है कि आप आर्थिक रूप से एक बरकत में, आप आपके जीवन में अमेरिका अनुभव करें। आप लेने वाले नहीं तो देने वाले बने। हम आपके लिए प्रार्थना करें इस समय कि हम आपको यही चुनौती कर देते हैं कि प्रभु का अनुभव करो, अच्छा है वो आपके जीवन में। जो उसने योजना बनाई आपके जीवन में आप पा सकते हैं। प्रभु के वचन को कबूल करते हुए और उसका अनुकरण करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इस समय धन्यवाद देते इस समय के लिए कि जो आपने यहोशू के साथ कहा और यहोशू ने आपकी आज्ञा का पालन किया। व्यवस्था का नियम उसने छोड़ा नहीं, बल्कि ना दाहे और ना बाहे, लेकिन उसका अनुकरण करते हुए लोगों को जो देश आपने जो शपथ ली उसमें लेके गए। प्रभु आज वही वचन हमारे लिए, वही वादा हमारे लिए आप पूरा कर सकते हैं। आते आपके वचन के द्वारा हम जब कबूल करते हैं प्रभु, तो आप उसका आदर करते हैं, हमारे जीवन में आशीष देते हैं। प्रार्थना करते इस समय जो लोग बीमार हैं, उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम निकाल देते हैं। आपके मार खाने से चंगाई मिली, वो चंगाई लोगों के लिए कबूल करते हैं। आपके अधिकार से हम बढ़ोतरी, बरकत और शांति कबूल करते हैं। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद दे। यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें पवित्र देश, धन्यवाद दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम विश्वास करते हैं कि जो वचन हमने आपके साथ बांटे हैं आप अनुभव करेंगे, और प्रभु आपके जीवन में जो प्रभु ने योजना आपके लिए बनाई हो आपके जीवन में पाएंगे और उसका अनुभव करेंगे। आप आशीषित होंगे, लोग आपके जीवन को देखकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की शांति हमेशा आपके साथ रहे, हमारे साथ बने रहे। खत लिखे, ईमेल द्वारा, फोन द्वारा संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें ताकि आपका जीवन प्रभु की आशीष भरे रहे। यीशु की शांति हमेशा हमेशा आपके साथ रहे, आमीन। हमें ये विश्वास है कि आज का ये शांति समय आपके और आपके परिवार के लिए आशीष से भरा हुआ हो। परमेश्वर की शांति आप सब पर बनी रहे। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610 सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 400071। हमारा टेलीफोन नंबर है 808-2428-488, 9-3232-17402। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantode@gmail.com।